अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऑन शो बूझो तो जीतो, और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा, और आप सबके लिए सरप्राइज है। मैं कहाँ पर मौजूद हूँ ये मैं आपको बताऊंगी, और आज एक नए दिन और एक नए एपिसोड के साथ मैं मौजूद हूँ आपके साथ। चले आपको बता देते हैं, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर में मैं जब भी आती हूँ तो मुझे बचपन की याद आता होती है। आई होप जब आप भी यहाँ पर आते होंगे तो आपको यहाँ पर आपका अपना जो बचपन है वो याद आता होगा। तो यहाँ पर आए क्राउड से हम करेंगे कुछ मज़े मज़े की बातें, और उनसे करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवालात भी, और उनको कुछ तंग भी करेंगे, उनके साथ मस्ती भी करेंगे, कुछ उनकी दास्तान भी सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और उनसे पूछेंगे भी कि उनमें टैलेंट क्या है। तो यहाँ पर हम टैलेंट भी ढूंढेंगे। उससे पहले शामिल कर लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी उसे चलाते भी हैं, ये चीज़ क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी भी है। तो ये सवाल मैं करूँगी यहाँ पर आए क्राउड से भी। और दूसरा सवाल ये शामिल कर लेते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दिमाग में उसका दिल होता है, ये कौन सा जानवर है कि जिसके दिमाग में उसका दिल होता है? तो यहाँ पर आए क्राउड से मैं करने चाह रही हूँ ये मज़े मज़े की बातें। तो आइए मेरे साथ, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नाम क्या आपका? अबू बकर। इलियास नूर। सर करते क्या हैं आप? मैं तो स्टडी करते, एजुकेशन स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? अभी तो मैट्रिक में। तो मैट्रिक में आप, तो क्या ख्वाहिश के आगे क्या बनना? मेरा तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन आप बनना चाहते हैं? और सर आप क्या करते? मैं स्कूल में कैंटीन है, हमारा कैंटीन है। तो लाहौर से? नहीं, हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुहाड़ से। हाँ, लाहौर घूमने फिरने के लिए? हाँ, बस टूरिस्ट है स्कूल का, वो टूरिस्ट के लिए आए। स्कूल के साथ ट्रिप आया स्कूल का, ओके। तो और फिर मुझे बताएं क्या लगता है कि आपको, कि आप में ऐसा कौन सा टैलेंट है जो दूसरों से मुख्तलिफ है? है कोई टैलेंट? तो हमारा टैलेंट ये है कि हमारे लिबास को जो देखते हैं पर वो कहते हैं कि ये पठान है, और वो खुद ही पहचान जाते हैं कि ये पठान आए। लगता है आपको ये टैलेंट है? तो ये हमारा बहुत अच्छा टैलेंट है, क्योंकि लोग ये आजकल हमारे जैसे फैशन को बहुत ट्रस्ट देते हैं। सर जबरदस्त हो गया। चलो सवाल कर लूँ आपसे। बिल्कुल। एक ऐसी चीज़ है जो हम खाते भी हैं और उसे चलाते भी हैं। खाते भी है और चलाते भी है। ये बहुत सख्त सवाल आपने किया, अगर सवाल चेंज किया तो फिर नहीं। चल, एक ऐसा जानवर है ठीक है जिसका दिल दिमाग में होता है उसके। वैसे वो बंदर है, तो क्या करें हम, क्या करें वैसे बस, बस हम पठानी समझो, हम खुद है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आपके, आपको जो दिल है वो दिमाग में है? बस हमारा पठान हमारा दिल भी है, और पहले हम माइंड में बात बनाते हैं, फिर वो जब माइंड बनाते हैं तो फिर आप दिल की ज़्यादा सुनते हैं? जी बिल्कुल, दिल की सुनते हैं, जो दिल मानते हैं वही करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। और सर आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली, 10 दफ़ा कहना है आप। पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लड़की पतली। सर आप, मैडम आप बहुत सख्त क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करो। मैं अगर एक और सवाल कर लूं, ऐसा कौन सा जानवर है ठीक है जिसके कान ही नहीं होते? वो तो बस शेर है, और तो नो सुनते नहीं है, पठानों का नहीं सुनता, वो खुद कहते हैं कि मैं पठानों से डरता हूँ। चलो ओके, और अब आपने कहना है ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ओए अल्लाह, ये तो बहुत ऐसे नहीं, क्योंकि मेरा गला खराब है, दोस्तों के साथ कल बहुत रूम में बहुत मस्ती की, इसलिए बस मेरा बेरा खराब। आप कह दो अब्दुल गोल का पंकम, अब्दुल गोल का पंकम, अब्दुल गोल का पंकम, अब्दुल गोल का पलकम, अब्दुल गोल का पंकम, 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 अब्दुल गोल, बस। और इसके अलावा क्या शेयर क्या करोगे? जी जो आप लोग चाहते हो। गाना आता है? थोड़ा थोड़ा। चलो ये, लेकिन अपने अल्फाज में सुनाऊंगा। ए दमिने, ए दमिने लवर जिना और दे, ए जमा यारानो और दे, दास खुले यारा सरवी जोड़ा जोड़ा बगरजू। सर आपको सुनाएंगे? हमें शेर सुनाऊंगा पश्तो। ए तदख पल जान दगमा जदा जहान दगमा, तदख पल जान दगमा जदा जहान दगमा, दस्ता सवाब जमा गुनाता चर तरसी। आपसे बात करके लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है।
बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा से आए कुछ स्टूडेंट भी थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किए कुछ मजे मजे की बातें। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और लाहौर घूमने फिरने के लिए आए हैं एंजॉय करने के लिए। तो जैसा कि मौसम भी बहुत प्यारा है और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चिड़ियाघर में, आप सबकी मोस्ट फेवरेट जगह है ये। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खूबसूरत यहाँ पर लोग। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? अहमद वक्कास। और सर करते क्या हैं? मैं मर्चेंडाइजर हूँ डेनम फील्ड में। ओके, और मियाँ बीवी हैं? जी बिल्कुल। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? हमारी शादी को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए माशाल्लाह से। क्या लगता है सर, 4 साल काफी होते हैं एक दूसरे को समझने के? तो मेरे ख्याल से समझने के लिए तो कुछ महीने ही बहुत काफी होते हैं, और बाकी जो है वो आपकी जिंदगी अच्छी गुजर जाती है अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो। ठीक है सर, और 4 साल आपने जैसे आपने कहा कि कुछ महीने जो होते हैं ना वो बहुत होते हैं समझने के लिए। और सर अब आपने बतानी अपनी वाइफ की कोई अच्छी सी आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, इनमें वो खूबी कह सकते हैं या वो आदत कह सकते हैं? अरे शी इज़ वेरी कम्प्रोमाइजिंग, तो ये मेरे ख्याल से किसी भी मर्द के लिए एक औरत जो है वो कम्प्रोमाइजिंग और चलाने वाली हो, घर चलाने वाली हो, तो फिर तो बहुत अच्छा है। यही इसकी सबसे अच्छी आदत है कि काफ़ी चीज़ों को मुझे बियर कर लेती है कब से, बहुत अच्छा है। तो okay. अब क्या लगता है आपको कि इनकी अच्छी क्या आदत है? इनकी सारी आदतें ही अच्छी हैं। एक तो आदत होती है जो बहुत अच्छी लगती है वो बता दी आप? ये इन्होंने कभी झूठ नहीं बोलना। बट ये तो सर किसी भी रिलेशनशिप में सबसे अच्छी बात होती है कि एक दूसरे से झूठ जो है ना वो नहीं बोलना, सच हमेशा बोलना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है सर। ये तो हो गई अच्छी आदतें, कुछ होती हैं बुरी आदतें भी। अब आप लोगों ने बतानी है एक दूसरे की कोई ऐसी आदत जो आप लोगों को इरिटेटिंग लगती हो। ये सोचनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी बात नहीं है कि ऐसी आदत ना हो। मुश्किल है कुछ ये। अभी फिलहाल याद नहीं आ रही कोई ऐसी आदत। आदत नहीं है, बता सकते हैं सर, कोई मसला नहीं। याद नहीं आ रही मतलब ऐसी कोई। क्या लगता है आपको कि इनकी आदत जिसपे गुस्सा आता हो? ये ना जब बैठ जाते हैं ज्यादा टाइम दोस्तों में गुजारते हैं। ये सारी बीवियों को गिला रहते हैं हमेशा से। नहीं मैं लेकिन ज्यादा टाइम फिर बाइट स्पेंड कर रहते हैं तो फिर घर में हमें भी बुरा लगता है। हाँ जी। ओके सर, सवाल करेंगे आप लोगों से, ठीक है? सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे हम खाते भी और चलाते भी हैं? भी हैं और चलाते भी हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं चलाते भी? पता नहीं है। आपको और सवाल कर लूँ? चले दूसरा सवाल ये, एक ऐसा जानवर है ठीक है जिसके दिमाग में उसका दिल होता है? दिमाग में दिल मेरे पास दोनों ही नहीं लगता। नहीं बिल्कुल नहीं। कोई आइडिया नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। चले, और इसके अलावा शेयर क्या करेंगे हमारे साथ सर? कोई पैगाम दे सकते हैं, कोई गाना वगैरह आप गा सकते हैं? अच्छा मुझे बताया कुकिंग करती हैं आप? कुकिंग अभी मैंने सीखी है इनकी अम्मी से। अच्छा अभी सीखी है, तो सर क्या आपके लिए अच्छा बना लेती हैं? ये बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हैं, और बातें तो सारी बीवियाँ अच्छी बना लेती हैं लेकिन ये बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हैं। बिरयानी अच्छी बना लेती हैं। और इसके अलावा क्या, बिरयानी के अलावा आपने मुझे बताना है कोई और कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? कोई ब्यूटी टिप दे सकती हैं आप? नहीं वो नहीं मैं दे सकती। चले और इसके अलावा सर कोई पैगाम आप दे दें? मैसेज कुछ भी नहीं है। अगर गाना आता सर आप? गाना नहीं बिल्कुल नहीं। गाना अभी याद नहीं आ रहा, चले मैं कोशिश करता हूँ। ये गाना ये है माइक। कौन सा वाला? जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल, ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। ओके जबरदस्त। नेम क्या आपका? पोएम आती है आपको? शायद है वो बात नहीं करना चाहते सर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पर प्यारा सा कपल मौजूद था और हमने किया उनके साथ कुछ मस्ती। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, तो आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं चिड़ियाघर के खूबसूरत मनाजर भी। और यहाँ पर आए फैमिलीज, स्टूडेंट्स, कपल्स, और सबसे करते हैं कुछ मजे मजे की बात। हमारे साथ कुछ बच्चा पार्टी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
वालेकुम अस्सलाम, नाम क्या? फारूक मोइस मिनाहिल। मिनाहिल, मिनाहिल पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? एट क्लास में। ओके, एट क्लास में आप पढ़ती हैं। वहाँ क्या ख्वाहिश, क्या आगे क्या बनना, क्या है? पुलिस में जाना है। अरे वाह, तो कहाँ से इतना शौक आया आपको कि भाई मैंने पुलिस में जाना है? कैसे ये? बस वैसे ही अच्छी लगती है पुलिस। पुलिस अच्छी लगती है, तो पता कुछ क्या होता, क्या है, किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या होती है? वो कुछ लोग कहते हैं कि वो सही नहीं होती, बट वो अच्छी होती है हर पुलिस वाला। इसलिए हमारे मुहाफिज होते हैं वो, तो हमें तो सबसे ज्यादा अजीज है। तो वो बहुत, कुछ लोग नहीं सही होते बट कुछ लोग ज्यादा बहुत अच्छे होते हैं, तो बस अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, ओके। और आप मुझे बताओ, पढ़ते हो कौन सी क्लास में? केजी टू क्लास, फाइव क्लास में। फाइव क्लास में आप पढ़ते हो, ओके। और अब आप लोगों ने मुझे बताना, सवाल कर लूँ आप लोगों से? चलो मुझे बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके कान ही नहीं होते? पैरेट। नहीं, पैरेट के तो होते हैं। बैट, जो क्या कहते हैं उसे, चमगादड़? नो। ओह नो। नहीं है। चलो आपने अब कहना 10 दफा, अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल कब, क्या? अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल कमंगन। अब्दुल गोल पंगन। 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 आपने यही कहना है, अब्दुल गोल का मम्मन, 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 अब्दुल गोल का मम्मन। ओके गुड। और आती है पोइम? चलो पोइम सुनाओ मुझे। एबीसी आती है? चलो एबीसी सुनाओ मुझे। A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y N G। ओके गुड हो गया। और आपको आती है कोई पोएम? पोएम तो मैं, गाना आता है? गाना आता है। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये भुलाए, वक्त मेरे दिल से उधर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। बस ठीक है। और आप क्या सुनाओगी? मैं कुछ भी नहीं। आप एक गाना सुना दो। कौन सा सुनाऊं? दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा क्या होगा, हमें तुमसे भर कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे भर कर, हमें तुमसे भर कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे भर कर। बस आप लोगों से बात करके लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर बच्चा पार्टी मौजूद हैं और उनसे किए हमने कुछ मजे मजे की बातें भी, और भाई उन्होंने गाना बहुत अच्छा सुना है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर, मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा क्राउड, और कुछ करते हैं मजे मजे की बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद अजहर। अच्छा, क्या करते, क्या हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? स्टूडेंट हूँ। तो क्या भाई, क्या पढ़ रहे हैं आप? माँ पखियाल मेडिकल वे माँ। अच्छा, तो लाहौर में घूमने फिरने के लिए आए हैं, कहाँ से हैं आप? घूमने को आता है, पेशावर से आता है हम। अच्छा, पेशावर से आप लोग आए हो, तो कैसा लगा आपको लाहौर? लाहौर अच्छा अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों, ज्यादा ज्यादा क्यों नहीं लगा? अभी ज्यादा ज्यादा हम घूमा नहीं है इसलिए। ज्यादा ज्यादा आप घूमे नहीं है, तो क्या अभी तक देखा आपने लाहौर का, क्या अच्छा लगा आपको, अपनी जगह का नाम बता दो। वो जो बड़ा सा मीनार है, क्या है वो, मीनार पाकिस्तान है, वो एक किला है, वो मस्जिद है, वो देखा। और यहाँ पर जानवर देखता है हम। जानवर देखे हैं, तो कौन सा जानवर अभी तक जू में अच्छा लगा? एक दो तीन जानवर देखे, ज्यादा नहीं देखे। अच्छा, कौन सा वाला जानवर? वो जेबरा देखा। हाँ अच्छा, कौन सा लगा?
अच्छा अभी तक नहीं लगा, ये सारे पेशावर में हमने देखे है। अच्छा, सब देखे हैं। चलो सवाल करूं आपसे। हाँ करो। सवाल ये है, ऐसा कौन सा जानवर है ठीक है जिसका जो दिल है ना उसके दिमाग में होता है? वाह ये जिसका दिल है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कोई काम करते हो तो ज्यादा सोच कर करते हो या फिर कहते हो बस जो दिल में है उसको मैं कर दूँ? मैं वो करता हूँ। दिल की सुनते हो आप? हाँ जी, ज्यादा दिल की सुनता हूँ। ठीक है, और अब आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली, 10 times कहना। आपने क्या पूछा? आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। अच्छा, पतली लड़की लकड़ी पतली, 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 पतली लड़की लकड़ी पतली। खत्म हो गया। अब आपने कहना है अब्दुल गोल गपंगम, 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 अब्दुल गोल गपंगम। बस हाँ, और क्या सुनाओगे? गाना आता है? नहीं, गाना तो नहीं आता है। कोई पैगाम देना चाहो? मैं लोगों को पेशावर आने की दावत देना चाहता हूँ कि वो भी आए और पेशावर को भी देखे, लाहौर के जो लोग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चिड़ियाघर में, आप सबकी मोस्ट फेवरेट जगह है। तो यहाँ पर आए क्राउड से मैं कर रही कुछ मजे मजे की बातें। आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले लेनी होगी मुझे एक छोटी सी ब्रेक और मैं वापस आऊंगी। स्टे विद मी। और मैं अब ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर ढूंढते हैं खूबसूरत से लोग, और उनके करेंगे इंटरव्यूज भी, और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? आतिफ अहमद। और करते क्या हो आप? स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, स्टडी कर रहे हैं आप? क्या स्टडी कर रहे हैं? प्री मेडिकल हूँ। मेडिकल। अच्छा, प्री मेडिकल आप कर रहे हैं। ओके, तो आगे मेडिकल में ही जाना है? यस, मेडिकल में जाना है। लाहौर से हैं? नहीं, मर्दान से। अच्छा, मर्दान से। तो पढ़ते हैं यहाँ पे लाहौर में? नहीं नहीं, हम मर्दान में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर घूमने के लिए आए। घूमने के लिए आप आए हो लाहौर में? तो कैसा लगा आपको लाहौर? खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। क्या अच्छा लगा अभी तक यहाँ का जो है ना माहौल? बहुत खूबसूरत है यहाँ पर जगह है ना, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ के, हर चीज़ जो है ना बहुत खूबसूरत है। ओके, तो खाने पीने में क्या अच्छा लगा लाहौर का? हमने तो यहाँ पर चिकन कढ़ाई का ही है, बहुत खूबसूरत लगी। सवाल करूँगी आपसे ठीक है, ऐसा एक जानवर है जिसका दिल दिमाग में होता है, ये जानवर कौन सा? नहीं आइडिया नहीं है। चलो मुझे बताओ, 10 rupees का नोट कभी गौर से देखा हुआ? हाँ। उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा हुआ? 100 times। ओह नो। 100 times कभी गिने? नहीं, 10 times। एग्जैक्टली 10 times लिखा होता है। और अब आपने कहना है ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ट्राई तो करो ना। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट टूटा। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंचा। कुछ ऊंट ऊंट की ऊंच ऊंची, कुछ पूंछ ऊंचा कुछ ऊंच ऊंची। ऊंट ऊंच की ऊंच ऊंची, कुछ पूंछ ऊंचा कुछ पूंछ ऊंचा कुछ ऊंच ऊंची। फूटे ऊंट ऊंच की ऊंच ऊंची, कुछ पूंछ ऊंचा कुछ ऊंच ऊंची। और क्या शेयर, क्या करोगे? गाना आता है? नहीं, मैं अपनी जिंदगी की कुछ दास्तान शेयर करना। ऐसा है ना कि मैं जो ना जैसा पैदा हुआ, हम ट्विन्स पैदा हुए ना, मेरे साथ दूसरा भाई था ना वो मर गया, तो और मैं ना मेरा खात में थोड़ा सा मसला पैदा हुआ। मैं जब पैदा हुआ तो जैसे जैसे मैं मेरे माँ बाप ने बहुत से डॉक्टर के पास में मुझे ले गया, तो उसने कहा कि ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके मसला हल हो जाएगा। तो फिर मैं स्कूल में दाखिल हुआ, जैसे मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं क्लास का वाहिद बंदा था, मुझे सारे क्लास में एक ही
एक ही लफ्ज आता था और वो था कटकटाना। वही सबसे मुश्किल होता है, और ये सबसे मुश्किल होता है, क्लास में किसी को नहीं आता था, सिर्फ मुझे आता था। तो मैंने सोचा ना, फिर मैं एक साल पैर हुआ तो हमारा टीचर ने कहा कि चलो इस बार तो सारे पास हो, कोई बात नहीं। क्लास का पहला बंदा मैं तक पहल हुआ था। फिर ऐसा हुआ ना कि दूसरे बार मैं पहल हुआ था, उस टीचर ने मुझे पहल किया, फिर मैं खपा था, फिर मैं बहुत खपा था कि क्या मैं क्या करूँ ऐसा, मैं भी मैं पास हो जाऊँ दूसरे लड़के जैसा हो जाऊँ ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खपा था। फिर ऐसा एक दिन हुआ ना कि मेरा एक दोस्त आ गया, मैं उससे चीटिंग करके ना पास हो जाता था। ऐसे छठी क्लास में थे हम, फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत याद भी करता हूँ ना, तो आज कुछ और भी याद कर ले, क्या पता कुछ हो जाए। तो फिर मैंने जैसे ही ना कर लिया, तो उस बार मेरी थर्ड पोजीशन आ गया। तो फिर मैंने आपने आपसे कहा कि मैं तो काबिल हूँ ना, मैं भी उस लड़की जैसा हूँ ना, क्यों ना मैं भी। उसके बाद मैंने काम शुरू किया, फिर मेरे नाइन्थ में जाना, एट में सेकंड पोजीशन आई, नाइन्थ में थर्ड पोजीशन आ गई, और अभी फर्स्ट ईयर में जो है ना मेरे 524 मार्क्स आए पेशावर माडा डिग्री कॉलेज से, और वहाँ पर सेकंड पोजीशन दिए। फिर मैंने आखिरी ये कहना चाहता हूँ ना कि कोई बंदा जो है ना नालायक नहीं होता, अल्लाह ने सबको एक जैसे बराबर पैदा किया। कि मेरे जैसा बंदा कि क्लास में एक ही लफ्ज आता था और होता कटकटाना, मैंने कर दिखाया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छा लगा उन्होंने अपनी जो है दास्तान वो कह लें या किस्सा कह लें उन्होंने सुनाया है, लेकिन बहुत अच्छी बात की है कि कभी भी खुद को कमतर मत समझे आप, बल्कि मेहनत करें, स्ट्रगल करें आप, और दुनिया का कुछ भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है, और आप कोशिश करें, मेहनत करते रहें, कभी जो है ना आप गिव अप मत करें। आइए मेरे साथ यहाँ पर देखते हैं और भी भाई स्टूडेंट हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा रश है, तो उनसे बात करते हैं, कुछ उनसे भी मज़े के किस्से सुनते हैं, कुछ उनसे इंटरेस्टिंग सवालात करेंगे, कुछ उनसे टंग ट्विस्टर्स भी करेंगे, तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अब्बास सामी। हुज़ैफ़ा। पढ़ते हो आप लोग? जी जी जी। कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। तो लाहौर से हो? नहीं, मर्दान से। पेशावर। अच्छा, पेशावर से। आप लोग क्या तो चिड़ियाघर देखने के लिए आए हो या सिर्फ लाहौर घूमने फिरने के लिए? तो बेसिकली तो लोगों ने कहा था कि लाहौर एक बहुत अच्छी जगह है, तो हमने सोचा इस बार टूर लाहौर की तरफ की जाए, तो टूर के लिए आए यहाँ पर। और आप? मैं भी इनके साथ ही हूँ। इनके साथ ही हो, तो क्या दोस्त हो आप लोग? हाँ जी दोस्त है। तो कितना अर्सा हो गया दोस्त? तकरीबन दो साल हो गए। दो साल हो गए हैं, तो दो साल बहुत होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, क्या लगता है? दोस्ती में बेसिकली एक दिन भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर दिल के दिल वे लव बी गेट लव, अगर दिल दिल से मिला जाता है तो एक दिन ही बहुत ज़्यादा होता है दोस्ती के लिए। वाह, बड़ी अच्छी बात की आपने। चले अब आप बता दें अपने दोस्त की कोई अच्छी सी आदत। ये बहुत ज़्यादा केयरिंग करता है, सिंगर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ऐसे पुजूल घूमता भी नहीं है, तो ये इसके बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अब आपने बतानी है इनकी अच्छी आदत। ये भी बस बेसिकली सेम टू सेम ही है। आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है इनमें? ये दिल का साफ है, बस दिल का साफ है। चले ठीक है, ये तो हो गई अच्छी आदतें। अब कुछ बता दो एक दूसरे की बुरी आदत। क्या बुरी आदत है इनमें? ये सिंगिंग के टाइम पकाता बहुत है, कोई बोलता नहीं, बस जो भी जगह देखे शुरू हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा है। ये है। और अब आपने बतानी है इसको एक्टिंग का भूत सवार होता है। एक्टिंग भी कर लेते हैं आप? थोड़ा सा कर लेते, लेकिन अभी तो गला खराब है अभी। कोई बात नहीं, हम देखेंगे आपका एक्ट, कुछ छोटा सा एक्ट कर सकते हैं आप। ऐसा तो नहीं, मैं तो बेसिकली सिंगर ही, लेकिन अभी गला थोड़ा सा खराब है। कोई बात नहीं, आप गाना गाते हो? मैं सवाल कर लेती हूँ आप दोनों से, ठीक है? पहले सवाल करेंगे, हमारे शो का फॉर्मेट है, सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाते भी हैं और चलाते भी हैं? खाते भी और चलाते भी? बेल। ओह नो। नहीं 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 नहीं, तो फिर तो एक ऐसा जानवर है जिसका जो दिल है ना उसके दिमाग में होता है। आप मानती है ऐसा जानवर होगा? एग्जैक्टली है, मुझे हमें तो नहीं पता, पता नहीं। तो एक ऐसा जानवर है उसके कान ही नहीं होते, फिर सुनता कैसे होगा? उसके कान नहीं होते ना, बस नेचुरली नहीं है।
स्नेक सांप है, इसके कान नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो है ना, अब आप दोनों से करवा लेती हैं टंग ट्विस्टर, ठीक है? आपने कहना है फालसे का फासला, आपने कहना है फासले का फासला, ठीक है? फालसे का फासला, 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 फालसे का फासला। ओके, और अब आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली, लकड़ी क्या, लड़की पतली लकड़ी पतली, लड़की पतली पतली लड़की पतली, और क्या था, पतली लड़की, लड़की पतली पतली लड़की, दूसरा दे दे। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, ये भी इतना मुश्किल है। बोलो, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीतल पीला पीला, पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीपल पीपल पीतल के पतीले में पी, ठीक है? आप गाना सुनाओ ये माइक। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यू ठगा है, जब सांसे भरू मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू या आया, दिल को करार आया। और अब आपकी बारी है, कोई बात नहीं, दो लाइन। उसका हूँ उसमें हूँ से हूँ सी का, रहने दे मैं तो प्यासा हूँ, है दरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते। थैंक यू, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद थे और ये लोग मर्दान से आए हैं लाहौर घूमने फिरने के लिए, और देख सकते हैं आपने उनका गाना सुना होगा, वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाना गाया है। और अगर आपको लगता है कि इनमें कोई टैलेंट है तो आप इनकी वीडियोस को जो है लाइक करें और शेयर भी करें। तो मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पर टैलेंट, और आइए मेरे साथ। जब भी मैं जूम में आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे यहाँ पर लोग मिलते हैं, खूबसूरत लोग मिलते हैं, जिससे मैं करती हूँ कुछ मज़े मज़े की बातें। आई होप आप भी घर में बैठ कर इंजॉय करते होंगे मेरे साथ। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? तनवीर अहमद। सर करते क्या है आप? मेरी अपनी परचून की दुकान है, जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है आपका, ओके। तो सर लाहौर से ही है आप? जी मैं इधर शालामार बाग के करीब से। और कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? माशाल्लाह 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए हैं, तो क्या लगता है 4-5 साल काफी होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए? बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ समझ गए एक दूसरे को जी, बिल्कुल। क्या लगता है आपको? समझिए, आप पूछ रहे थे आप दूसरे से कोई आपकी अच्छी आदत बतानी है आपने अपनी वाइफ की, अच्छी सी आदत जो आपने कभी इनको पहले ना बताई हो कि हाँ तुम्हारे में आदत अच्छी है। बहुत केयरिंग है ये। हाँ ये आदत अच्छी है, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी। गुड। और आपको क्या लगता है इनकी आदत? बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हर तरह से, कोई भी चीज़ ख्वाहिश करती हूँ वो पहले होती है। वाह, यही तो सबसे अच्छी बात होती है किसी भी रिलेशनशिप में। और सर अब अच्छी यहाँ पे आदतें हो गई, अब कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, आप बता दें एक दूसरे की बुरी आदत। बुरी आदत इसमें तो कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती कि 4 सालों में कभी लड़ाई ना हुई हो। ये बस मामा के घर जाने की जिद करती है और तो कोई नहीं। और आपको जाना पसंद नहीं है? नहीं नहीं जाए, लेकिन एक दो ये जाए, हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद भाई मामा घर जाना, मामा घर वही है। ये आदत आपको बुरी लगती? ये बस बुरी लगती है। और आपको क्या लगता है इनकी आदत? कोई भी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कोई आदत होती है जो बहुत बुरी लगती? डांटते हैं बस। डांटते हैं ज्यादा, बच्चों की वजह से।
बच्चों की वजह से। कितने बच्चे हैं सर आपके? दो है माशाल्लाह से। ओके, और सवाल करूंगी आप लोगों से, एक ऐसी चीज है जिसे हम खाते भी और उसे चलाते भी है, ये क्या चीज है? मुंह। कौन सी? मुंह से चलाते हैं हम। नहीं। क्या लगता है आपको? पता नहीं। नहीं पता, चले मुझे पता है। कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी। क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ, चावल ज्यादा अच्छे बनते हैं, चाइनीज हो जाए या बिरयानी हो जाए। आपको क्या लगता है इनके हाथ का अच्छा? बिरयानी। वाह जी, गुड। हमारे लाहौरी को बिरयानी बहुत पसंद है, और कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर करना चाहे बिरयानी के अलावा? कोई ऐसी नहीं है? नहीं। ठीक है सर, और क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? नहीं, गाना आता है? नहीं, कोई गाना नहीं। कोई कोशिश की लेकिन आता नहीं है गाना। आता ही नहीं आपको? भी नहीं आता। कोई बात नहीं, दो लाइनें अपने हस्बैंड के लिए। काली काली ऐनकां ते पारे पारे शूज लेके गड्डी, काली काली कुड़ियां दा बैंड फिट, मुंडा जट्टां दा जवाई तू बना ला करी तेरे उत्ते मारी दा। अरे जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सा कपल मौजूद है, और हमने की है कुछ उनसे मजे मजे की बातें, कुछ मस्ती भी की है, और उन्होंने गाना भी सुनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर, और काफी क्राउड है, और जानवर भी जो है मुझे काफी पुरसकून दिखाई दे रहे हैं, मजे मजे की, जो आप कहते हैं ना कि एकदम से सब सर्दी के बाद जब मौसम आता है ना वो वाला, तो जिसमें हल्की हल्की गर्मी भी होती है, हल्की हल्की यू नो ठंडक भी होती है, तो ये वो वाला मौसम है बहुत मज़े का। तो यहाँ इसी मौसम में जो है बाहर निकलते हैं लोग एंजॉय करने के लिए। आई होप आप मेरे साथ घर में बैठकर अपने शो को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चिड़िया घर में, और यहाँ पर आई क्राउड से मैं करी कुछ मजे मजे की बातें। आई होप आपने शो को एंजॉय किया होगा, और अब मुझे एक लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, और मैं वापस आऊंगी छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद मी। नाज़रीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चिड़िया घर में। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आई फैमिली से कुछ करेंगे मजे मजे की बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप? मैं भी ठीक ठाक। और सर करते क्या हैं? सॉरी, करते क्या हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, लायर हूँ। मुझे आपके ना एड्रेस से अंदाजा हो रहा है। अच्छा जी, फिर आपने क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा पूछ लूँ, ये ना वैसे शौकिया पहना हो। नहीं नहीं, शौकिया नहीं कोई पहन सकता। ओके okay. और सर घूमने फिरने के लिए आए हैं आप? तू? जी हाँ, बच्चों को सैर करवाने हैं। तो आप मियाँ बीवी हैं? जी हाँ। सर कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? हमें तकरीबन कोई 5.5-6 साल हो गए हैं। ठीक है, तकरीबन 6 साल हो गया आपकी शादी को। सर 6 साल क्या लगता है आपको, काफ़ी होते हैं एक दूसरे को समझने के? जी हाँ, 6 साल बहुत होते हैं, एक माँ ही बहुत होता है। तो समझ गए आप एक दूसरे को? बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से समझ गए। चलें ठीक है, आप पूछ लेते हैं आपसे कुछ, इनकी कोई अच्छी आदत जो बहुत अच्छी लगती हो आपको। सबसे अच्छी बात जो है वो लविंग बहुत है और केयरिंग है। हाँ जी, ये तो नॉर्मली सर होती है, सारी बीवियों में आदत होती है, ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी भी समझ लें। आपने ऐसी आदत बतानी है जो बहुत अच्छी लगती हो आपको, केयरिंग लविंग के अलावा। सबसे बड़ी बात यह कि लड़ती नहीं है। हाँ, मानती ये ना लड़ती हो? नहीं, ये सबसे जो है ना वो समझने के कॉमन एक चीज़ इनके अंदर जो है वो, नहीं तो आए दिन तो हर जगह जो है ना वो लड़ाई झगड़े, ये हम अदालतों के अंदर आए दिन जो है ना वो कोई ना कोई मियाँ बीवी के आते रहते हैं, तो ये कम बहुत कम लड़ती हैं, लगभग के लड़ती नहीं है। मतलब वकीलों को ऐसी ही बीवियाँ चाहिए जो खामोश रहे, आके से बोले ना, बस ऐसी बीवियाँ होनी चाहिए, क्या लगता है? हक सच पे तो जो है ना वो हर किसी का एक जो है ना वो हक क्या वो बोल सकता है जी। ये तो वैसे भी एक फंडामेंटल राइट में भी आ जाता है। अच्छा क्या लगता है आपको, क्यों इतनी ठंडा मिजाज कैसे हो सकता है कि आप लड़ाई नहीं करते? वैसे रूटीन इतनी बिजी है, टाइम ही नहीं होता लड़ने झगड़ने का। या ये टाइम नहीं देते होंगे, वकील हजरात बहुत बिजी होते हैं ऐसे ही सर? हाँ जी, मैं बहुत कम नजर आता हूँ, शायद इसीलिए लड़ करती। यही वजह कि कम नजर आते हैं आप। सवाल कर लेते हैं आपसे, एक ऐसी चीज है जिसे हम खाते भी हैं और उसे चलाते भी हैं। आई थिंक सो, बबल हो सकती है। Oh no! बबल कैसे चलाई जा सकती है? नहीं चलाते।
मेजबान को खाते तो नहीं है ना, उसे चला सकते हैं, भैंस की खा लेते हैं लोग। चले एक और सवाल कर लेते हैं। एक ऐसा जानवर है जिसके दिमाग में उसका दिल है, दिमाग में दिल है। ये तो आपने बड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया। इसलिए हमारे शो का नाम है बूझो तो जीतो। कोई ऑप्शन जानवर का नहीं बताना है, इसमें कौन सी ऑप्शन दे सकती है? तीन चार जानवरों के बताते हैं, उनमें से हम बता देते हैं। नहीं सर ऑप्शन नहीं है, वो भी तो है ना। एक और सवाल करती हूँ। एक ऐसा जानवर है जिसके कान ही नहीं होते। चमगादड़ के तो कान होते हैं। सारी बातें छोड़ रहे, मुझे पता है कुकिंग करती हैं आप, क्या अच्छा बनाती हैं आप। फिर भी सर क्या लगता है आपको इनके हाथ का? इनके हाथ का जो है वो कस्टर्ड बहुत मजे का बनाती है। कस्टर्ड अच्छा लगता है आपको? ओके, कोई रेसिपी शेयर करना चाहेंगे? कोई भी रेसिपी शेयर कर सकती है, छोटी सी भी कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करते हैं। एक लीटर दूध लें, उसमें उसको बॉईल करें 5 मिनट के लिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा वो कस्टर्ड पाउडर डालें, जो भी फ्रूट्स आपकी विश है उसके अंदर ऐड करें, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें, तो एक अच्छा सा डिज़र्ट बन जाता है। गाइस आई होप हमारी ऑडियंस जो आपकी रेसिपी ट्राई करेंगे। सर अब आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? मैं ये शेयर करूंगा कि ज़्यादातर जो है ना वो लोग मियां बीवी ख़ास तौर पे वो कोशिश किया करें कि एक दूसरे से समझौता कर लें और मिलजुल के रहें, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना ये बहुत अगर देखा जाए तो मखसूस ही ज़िंदगी है, तो अगर इसमें जो है ना वो छोटी सी ज़िंदगी में इंजॉय करते रहें, मिलजुल के रहें, हंसी खुशी रहें, तो मेरे ख्याल से जो है ना वो लड़ाई झगड़े ना हो और एक अच्छी ज़िंदगी जो है ना वो लाइफ गुजार सकते हैं मियां बीवी। बहुत अच्छी बात की सर आपने, क्योंकि आप तो रोज़ जो है देखते होंगे बहुत केसेस आते होंगे, ऑब्वियसली ये तो अब बहुत ज़्यादा ये रेशियो बढ़ भी रही है। और मेरा खास तौर पे जो है ना वो फोकस ये होता है कि मैं इनका आपस में जो है ना वो किसी भी तरीके से समझौता करवा के ना, और गालबन जो है ना वो मैंने डाइवोर्स जो है ना वो बहुत कम किए हैं, मैं कोशिश करता हूँ समझौता करके इनके भेज दूँ, क्योंकि घर जो है ना वो बनाए बहुत मुश्किल से जाते हैं और उजाड़ने के लिए 2 मिनट लगते हैं। बहुत अच्छी बात की है आपने। और कुछ सर गाना? गाना जो है वो मैं एक छोटा सा बस ऐसे जो ना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में हो, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। थैंक यू वेरी मच। बीवी के लिए था? हाँ जी, ये आपके लिए था। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत क्यूट फैमिली है। लाहौर न्यूज की आप लोगों के लिए गिफ्ट चैंपर है, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर भाई एडवोकेट मौजूद थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं, और यकीनन हमें, मैं अक्सर देखती हूँ कि हमें ना बर्दाश्त का जो मादा है ना वो नहीं रहा, हम लोग इतने अदम बर्दाश्त हो चुके हैं कि किसी की बात जो ना वो हम बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। तो मुझे हमें लगता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, समझौता जो ना वो कर लेना चाहिए, कंप्रोमाइज़ जो है ना वो किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कंप्रोमाइज़ करने की आदत नहीं है तो आप कोई भी रिलेशन जो है ना वो आपका नहीं चल सकता। तो कोशिश करें खुश रहें, इसी तरह से खुशियाँ बिखेरते रहें और दूसरों के लिए जो है ना खुशियों का बायस बने। तो आइए यहाँ पर मेरे साथ और देखते हैं यहाँ पर खूबसूरत कपल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, नाम क्या आपका? मोहम्मद मुबीन। सर करते क्या हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं सर, ओके। और मुझे रिलेशनशिप बता दे अपना। हम मियां बीवी हैं माशाल्लाह से। और कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं सर, 4 साल काफी नहीं होते एक दूसरे को? माशाल्लाह आउट ऑफ सिटी से आए हैं। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? हम लोग फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद से, तो लाहौर घूमने फिरने के लिए आए हैं? मेरी मदर का घर इधर है, तो बस ये मैं रहने आई थी, तो ये हमें लेने आए हैं, बस आज हमने शाम को चले जाना है, तो बच्चे जिद कर रहे थे कि भाई घूमने जाना, तो हमने कहा चलो जाते हैं, जू देखते जाए। अरे गुड हो गया सर, आपको मसला तो नहीं होता फैसलाबाद से लाहौर बीवी को लेके आने में? चलो ठीक रहता है, सफर भी ठीक। कपल्स मुझे मिलते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि बस मुझे तब बुरा लगता है जब ये अपनी अपनी माँ के घर जाती है। बस ऐसे ही है, है ना अंदर से। मुझे अंदाजा हो रहा है आप जितने इरिटेट लग रहे हैं ना, मुझे अंदाजा हो रहा है। ऐसे ही है। सवाल करेंगे आपसे, ठीक है? और सवाल से पहले मुझे सर बताएं, आप 4 साल हो गया शादी को, तो एक दूसरे को आप जान पहचान गए, अब आपने बतानी अपनी वाइफ की अच्छी सी आदत।
इसकी अच्छी सी आदत यही है कि गुस्सा बड़ी जल्दी करती है। ये अच्छी नहीं है, बुरी आदत है। आदत ही है ये अच्छी अच्छी बता दे। अच्छी ये है कि मेरा बड़ा ख्याल रखती है। वो उनकी जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा कोई ऐसी आ जो आपको बड़ी अच्छी लगती है? ये होता है कि मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरे लिए मतलब खाना बना के रखती है और जो चाहिए मुझे वो मिल जाता है। ये तो अच्छी बात है। अब आपने इनकी बतानी अच्छी आदत। लविंग केयरिंग के अलावा ये इनकी अच्छी आदत ये कि बहुत टेक केयर है, बहुत ज़्यादा, टू मच, कि कोई और बात करे तो उसके अगेंस्ट बोल पड़ती हैं कि मेरे खिलाफ की बात नहीं, मेरी बीवी के खिलाफ की बात है। वाओ, ऐसे तो कम ही हस्बैंड मिलते हैं। और बहुत कोऑपरेटिव है, और मैं जिसको भी बात शेयर करती हूँ वो बहुत अमेज हो जाते हैं, यार अपने हस्बैंड से मिलवाना, अपनी फ्रेंड से। वाओ, चलो हमें मौका मिल गया भाई आपसे मिलने का। दोस्त बहुत जल्दी बन, एक अच्छी आदत होती है, दोस्त आप बनते हैं लोगों से, यू नो। नहीं तो लोगों में बड़ा एटीट्यूड होता है सर, लोग पता नहीं क्या समझते हैं, पता नहीं क्या हमारे में, और ये मुझे एक अच्छी आदत लगती है। औरत का हंस मुख होना एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, और सवाल करेंगे अब आप लोगों से, ठीक है? सवाल ये, एक ऐसी चीज़ है जो हम खाते भी और उसे चलाते भी हैं, ये क्या चीज़ है? खाते भी दिमाग सही बबल खाना हिंट नहीं है इसमें कोई हिंट, क्योंकि हमारा दिमाग आजकल बच्चे हमारा बहुत खाते हैं, यही दिमाग खाए जा रहे हैं, सब कुछ भूल गया जिंदगी का। बच्चे बहुत तंग करते हैं आजकल के बच्चे, बहुत शरारती हैं, टू मच है। और सवाल कर लेते हैं आपसे, सवाल ये है, 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा हो आपने, उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा होता है? 6 बार। ज्यादा बात है। अच्छा, बस खर्च का ही बताया कि खर्च करने हैं, ये लो पैसे जाओ। ये पैसे जेब में भी वो नहीं पड़ा चलता कि कितने हैं। नोट कहाँ देखना है? कहाँ देखना है? क्या लगता है, और कोई तुक्का लगा ले सर? 3-6 बार नहीं होता है, इतना हिंट दे रही हूँ, ज्यादा होता है। 12 बार हो गया। 10 रुपए का नोट है, कितना होगा? एक बताना, 8 या 10? 10 होगा। एग्जैक्टली 10 रुपए का नोट है तो 10 दफा ही होगा ना। और इसके अलावा क्या शेयर करेंगे हमारे? अच्छा, कुकिंग करती हैं आप? माशाल्लाह। क्या अच्छा बनाती? सब कुछ अच्छा बना लेती हैं, एवरीथिंग। सर आपको क्या अच्छा लगता है इनके हाथ? सबसे अच्छा सब्जी वगैरह लगती है। अच्छी लगती है, कोई सब्जी का नाम बता दो। भिंडी। वाओ, अब रेसिपी बता दे, कोई सी भी रेसिपी भिंडी की शेयर करूंगी तो मेरे हस्बैंड को पसंद है। बस प्याज भून के तो उसको लाइट गोल्डन सा निकाल के, तो बाकी जो थोड़ा सा प्याज उसमें बाकी रह जाएगा उसमें टमाटर ज़्यादा डालने हैं, बाकी नमक मसाले सारे डाल के उसमें भुनी हुई प्याज डालनी है और उसको अलहदा रख लेना, फिर उसके बाद भिंडी फ्राई करनी है हल्की सी, फिर इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके उसको स्टीम पे आपने रख लेना। वाह, गुड, आई होप हमारी ऑडियंस आपकी रेसिपी ट्राई करेंगे। सर कोई गाना 2 लाइनें सुना दे सर। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत क्यूट फैमिली है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए ये प्यारा सा गिफ्ट टेम्पर है, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर फैसलाबाद से आए हुआ क्यूट कपल है, जो आपने उनसे देखा है उन्हें, और मजे मजे की उन्होंने बातें की हैं, हमने उनके साथ मस्ती भी की है, और बहुत ही नाइस और क्यूट है भाई। इतनी अच्छी आदत भी होती है लोगों में, जहाँ हमें लगता है ना कि नहीं लोग ऐसे हैं, नहीं भाई अच्छे लोग भी होते हैं, दुनिया में अच्छे लोग हैं। अब नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, और मुझे टाइम को तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पर आए खूबसूरत लोगों से जब आप बातें करते हैं मज़े मज़े की, तो टाइम तो यूँ गुजर जाता है। और आई होप आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा, और हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात करती हूँ उन सवालों के जवाब मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ। आज का पहला सवाल जो मैंने शामिल किया था, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और उसे चलाते भी हैं, ये चीज़ क्या थी? और इसका जवाब किसी को भी नहीं आया है, और मैं आपको बता दूँ, आपके नॉलेज में इजाफा कर दूँ, ये है अनार, जो आप खाते भी हैं, और अनार एक चलाने वाला भी होता है, एक खाने वाला भी होता है। तो दूसरा सवाल मैंने ये किया था, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दिमाग में उसका दिल होता है? तो यहाँ पर आए किसी को भी नहीं पता था ये क्या चीज़ क्या है, और मैं आपको बता दूँ, झींगा। और बड़ा
इसका इंटरेस्टिंग था इसका जवाब, और आई होप इसको सर्च भी करिएगा आप और इसके बारे में जो है आप मालूमात भी हासिल कीजिएगा, और उसके बाद आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं और आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक और आपकी सजेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिस तरह से आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका अपना शो है तो इसी तरह से आप प्रोग्राम को पसंद करते रहें और अच्छे अच्छे हमें फीडबैक देते रहें ताकि मैं आपके लिए खूबसूरत जगहों का इंतखाब कर सकूं और आपको मैं अपने साथ जो है लेकर भी जाऊँ वहाँ पर और उन खूबसूरत जगहों को आप भी देखें, घर में बैठ कर आप इंजॉय करें। और मुझे कहते हैं महरीन फातिमा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं महरीन फातिमा ऑफिशियल के नेम से, और आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखना मत भूलिएगा जुमेरात से इतवार लाहौर न्यूज़ एचडी पर आप देख सकते हैं बूझो तो जीतो, ये आपका अपना शो है। और साथ ही साथ मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।